Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ये हिंदी पट्टी की कहानी है जिसमें खामखा की तड़क भड़क नहीं है, हत्यारे की तलाश करता सांवला इंस्पेक्टर फेयर एंड लवली लगाता है और एक बूढ़े की दूसरी बीवी बनने को मजबूर जवान युवती उसकी हत्या के शक के घेरे में है। कोरोना काल में आई यह अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है जो दी एंड तक आपको बांधे रखती है। जी हाँ, किसी मिस्ट्री थ्रिलर के लिए इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता कि ओपनिंग सीन में ही हत्या हो जाए। माहौल बन जाता है कि हत्या आखिर हुई क्यों, मरने वाला कौन था, उसे मौत के घाट क्यों उतारा गया, कौन से राज खुलने हैं। इस लिहाज से रात अकेली है कि शुरुआत रोचक है, क्योंकि यहाँ कुछ ही मिनटों में 3 मर्डर हो जाते हैं। जी हाँ, मामला यूपी का है। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ठाकुर रघुवेंद्र सिंह ने जवान लड़की राधा से शादी रचाई है और अपने कमरे में मरे पाए गए। ये हत्या है, गोली मारकर चेहरा बंदूक के बट से कुचला गया है। 5 साल पहले उनकी पत्नी और ड्राइवर की एक रात तब हत्या हो गई थी जब वो कार में ग्वालियर से घर लौट रहे थे। ठाकुर के परिवार में एक बेटा, एक बेटी, उसके छोटे भाई की बूढ़ी विधवा और उसके जवान बेटा बेटी, पहले पत्नी का भाई किशोर व नौकरी और जुर्रेदारियों बूढ़ी औरत भी रहती है। निर्दलीय विधायक मुन्ना राज परिवार के बहुत करीब हैं क्योंकि उसकी बेटी से ठाकुर के बड़े भतीजे की शादी ठहर गई है, यानी कि फिक्स हो गई है। सवाल है कि हत्या किसने की, क्योंकि केस की जाँच इंस्पेक्टर जितल यादव के हाथ में है। यादव को भरोसा है कि हत्या में किसी घर वाले का हाथ है, जबकि आम धारणा है कि हत्या राधा और उसके किसी प्रेमी ने मिलकर की है। बिना वसीयत लिखे ठाकुर चले गए और पत्नी होने के नाते ठाकुर की जायदाद पर पूरा हक राधा का होगा। अगर पुलिस उसे हिरासत में लेकर कूटे तो वो सब कुछ सच बता देगी। रात अकेली है रोचक थ्रिलर है जिसके रहस्य बांधे रखते हैं। शक के दायरे में सभी हैं क्योंकि कोई भी ठाकुर से प्यार नहीं करता था। हालांकि ठाकुर कैसे आदमी थे, इसे यूं समझा जा सकता है कि वो लड़कियां खरीद कर घर में रखा करते थे। हर दिन नहा धोकर फेयर एंड लवली लगाने वाले जटिल यादव का किरदार रोचक है। माँ को उसकी शादी की चिंता है, उन्हें लगता है कि लड़का सांवला है तो क्या, दिल का तो गोरा है। उनका तर्क है कि क्या फिल्मी हीरो अजय देवगन का भी रंग दबा हुआ नहीं है। नवाज और इलारून की नोकझोंक वाला ट्रैक और रोचक है, फिल्म के तनाव को कुछ एक मौके पर आकर हल्का करता है। जब रसूखदार परिवारों में हत्याएं होती हैं तो जांच में पुलिस और राजनीति की अहम भूमिका रहती है, ऐसा यहां भी है। जटिल यादव पर सही रास्ते पर ना जाने का दबाव पड़ता है तो वो अपने वरिष्ठ अधिकारी और विधायक मुन्ना राज से साफ कहता है, एक बार दिमाग ठनक गया ना तो चाहे वर्दी जाए चाहे चौकी, हम सच कहीं से भी खोद निकालेंगे। और सचमुच वो यही करता है, सच सामने आकर हैरान करता है। हत्या की वजह और हत्यारे को इंस्पेक्टर ढूंढ लेता है। नवाज यहाँ फॉर्म में है, उनका अभिनय छोटे छोटे पत्थरों पर से कल कल बहती पारदर्शी नदी की तरह है जिसमें संगीत होता है। नवाज जो कह रहे हैं कर रहे होते हैं उसके पीछे भी कुछ ऐसा नज़र आता है जो आनंदित करता है। पहला मौका है जब वो स्क्रीन पर वर्दी में हैं और उन्होंने रंग जमाया है। राधिका आप्टे अपनी भूमिका में जमी हैं, एक बूढ़े की खरीदी हुई शोषण की शिकार स्त्री की भूमिका में उन्होंने जान डाल दी है, अपना ग्लैमर दरकिनार रखा है। बाकी कलाकारों का भी इन दोनों को बढ़िया सहयोग मिला है। नेटफ्लिक्स पर हाल ही के दिनों में जो कंटेंट आया है उसमें निस्संदेह ये सबसे बढ़िया है। कोरोना काल में थिएटरों के बंद होने के बाद किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर आई ये पहली ऐसी फिल्म है जो वास्तव में एंटरटेन करती है और बढ़िया दिखती है। जी हाँ, ऐसे ही तमाम मूवी रिव्यूज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.